आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा सर, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट में इस समय 133 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और 357 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में। गाबा सर, अचानक से फिसलन आ रही है, शॉर्ट करके पैसा बनेगा क्या? शॉर्ट साइड पैसा बनेगा, लेकिन अचानक नहीं है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, स्ट्रेच है और स्ट्रेचिंग अनस्ट्रेचिंग होती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और जब ज्यादा स्ट्रेच होता है तो ज्यादा ही करेक्शन होता है, और करेक्शन थोड़ा डीप होता है हमेशा, तो ये एक नॉर्मल है। बेसिकली जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, हमको लगता है कि इतना दौड़ा है, आदत लग गई दौड़ने की, तो हमको एक्सेप्ट नहीं है कि नीचे आना, बट ट्रेंड इंटैक्ट है। अब यहाँ पर लोअर लेवल पे 21,700 के आसपास, 21,650, 21,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से अगर साइडवेज मूव मिलता है, टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन या दोनों, आई थिंक वो बेहतर रहेगा, गुड फॉर द मार्केट। और इतना दौड़ा है तो साइडवाइज मूव आई थिंक इज बेटर, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा सेशंस, बस इतना ध्यान दें। तो मतलब आप ये करेंगे अभी अभी शॉर्ट ना करें या शॉर्ट करें? कर सकते हैं, करेंगे तो स्टॉप हो सकते हैं और टाइट स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में कभी कभी वोलेटिलिटी होती है और स्टॉप को खा जाती है, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए मार्केट में जब तक ये 21,000 ये लेवल है, 21,000 मेरे ख्याल से ये लेवल है, 21,800-21,900 जब तक ये पार नहीं करता तब तक शॉर्ट लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात है, 48,700 ये जोन है, 48,800 वो पार करना जरूरी है, जब तक वो पार नहीं करता वी स्टे शॉर्ट। बिल्कुल, 21,900 पार करेगा तो फिर तेजी है, अदरवाइज एक शॉर्ट बनता है। कल सर्वेंद्र भी यही कह के गए थे कि मार्केट अब थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, तो जैसे गाबा सर कहते हैं ना, अनस्ट्रेच करने की ज़रूरत है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान बहुत सारे जुड़ रहे हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं। भिवानी हरियाणा से रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। सर, अपोलो टायर के 100 शेयर है मेरे, तो उसके रेट के बारे में पूछना था सर। रेट तो 450 चल रहा है इस समय, ये 435 में खरीद है सर। आप क्या स्टूडेंट हैं क्या अभी? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हैं सर? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ सर। कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी। साथ के साथ ट्रेडिंग भी करते हैं? हाँ जी। कितने दिन के नजरिए से आपने इसको लिया है? एक महीना, दो महीना, दो चार दिन? हाँ, आवाज थोड़ी टूट रही है। गावा सर, रजत की मदद की जाए, अपोलो टायर्स 100 शेयर लिए 435 पे, 450 पे चल रहा है, 15 रुपये मुनाफे पे है, मुनाफा बुक करें, होल्ड करें, क्या करें? इनका नजरिया वो वही इसके ऊपर है, अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, 500 भी जाएगा, बहुत बढ़िया कंपनी अपोलो टायर्स, घबराना क्या है। अगर ट्रेडर है तो मुनाफा बुक करने में कभी नुकसान हुआ ही नहीं है, नीचे आया तो फिर एंटर कीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो मुनाफा बुक करिए, अदरवाइज होल्ड करिए इसको, ट्रेड आपका ठीक है। आलोक रॉय चौधरी कोलकाता से, चौधरी जी बताइए सर। नहीं, हम फ्यूचर के अंदर जानना चाहता है सर, IFCA का फ्यूचर क्या है? IFCA है, या करें 2850 में, वेल चार्टली एक अपू है, यहाँ पर रेसिस्टेंस थोड़ा 30 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से अपू ऑन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फटीक है, हो सकता है फिर नीचे आएगा, फिर एक अपू मिलेगा, लेकिन यस मैं कहूँगा अपू ऑन है इसमें, आते दिनों में शायद 40 का जोन भी देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा, 30 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। ओके, तो IFCA पे ये राय बन रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, कृणाल सुतार वडोदरा गुजरात से जुड़ रहे हैं। कृणाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास L&T फाइनेंस के 74 रुपीस के 250 शेयर है, मैंने 2 साल से ले रखे हैं, तो अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? गाँव सर दुगना हो गया इनका शेयर, थोड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पर, स्ट्रेच है, इतने के थोड़ा स्ट्रेच है, तो प्रॉफिट बुक करना तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना और कंटिन्यू होल्ड करना तो कंटिन्यू होल्ड कीजिए, बढ़िया कंपनी है, क्या खराब है इस कंपनी में, 120 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर वो सहन कर सकते हैं 140 का स्टॉप लॉस 40 रुपए का तो होल्ड कीजिए, अगर वो सहन नहीं कर सकते तो निकल जाइए। मैथमेटिकली बोलना ईजी है कि यार सहन कर लूंगा, इमोशनली सेल करना पड़ेगा।
होल्ड करेंगे क्या? हाँ सर, होल्ड कर सकता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रॉफिट है तो आधा निकाल दूँ, जितना मेरा है मैंने इन्वेस्ट किया इतना निकाल दूँ और दूसरा बेच के दूसरा सेल ले लूँ, ऐसा। हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल 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 निकाल सकते हैं। सही आइडिया है मेरा, जितना इन्वेस्ट किया हो इतना निकाल दूँ और दूसरे का दूसरा भी शेयर में आपको रेकमेंड करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसे 4-5 साल होल्ड करना पड़ेगा, वो है जियो फाइनेंस। अभी आप डिस्क्लोजर देंगे सुनेंगे, देखिए। तो भाई आप जो कह रहे हैं आधा बेच के निकाल दें, तो गावा जी कह रहे हैं हाँ ठीक आइडिया है, तो जो निकाले उससे फिर आप जियो फाइनेंस खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए। और डिस्क्लोज़र हाँ। भी कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसके मालिक और इसके मालिक में समानता सेम है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और होल्ड करना है 5 साल? 5 साल होल्ड करना भाई जियो फाइनेंस अगर आप। और अच्छा मुनाफा मिलेगा। मैं NBCC सोच रहा था सर। अगला सवाल अनिल कुमार कपूर लुधियाना पंजाब से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू। सर आपको भी पहले ये बताइए, सुना बहुत ठंड पड़ रही है उधर नॉर्थ में दिल्ली और पंजाब में? बहुत ज्यादा ठंड है सर, बहुत ठंड है, सन नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए हैं, कोई धूप नहीं है। काम धंधा चल रहा है घर पे ही? नहीं सर, अभी मार्केट में है। मार्केट मतलब क्या, व्यापार है आपका? नहीं नहीं, मैं ये सामान लेने आया हूँ घर के। अरे तो दफ्तर नहीं गए आज आप? जी जी नहीं, ऑफिस नहीं गए क्या आज काम धंधे में? नहीं सर, मेरा अपना काम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपेशन है। बढ़िया ना, वही तो मैंने पूछा था, व्यापार है आपका, अपना खुद का काम है। पंजाब के लोग बहुत उद्यमी होते हैं, अपना काम करते हैं, ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते। गावा सर वेंकीज के शेयर हैं। देखिए ये कंपनी तो बढ़िया है लॉन्ग टर्म, और यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट है, इसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और वो ब्रेकआउट भी मिल जाए, वो लेवल मैं बता दूं कहाँ मिलेगा। ब्रेकआउट मिलेगा जब ये पार कर लेगा करीब 2250, एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। जब वो ब्रेकआउट मिलेगा तो कहां जाएगा फिर, उसको ले जाएगा 3000 तक। तो मुझे यहां से ट्रेड कर रहा है वेंकीज 2000 से 3000 भी नजर आता है, लेकिन इसे वक्त लगेगा। सेटअप सही है, वीक नहीं है, और सेटअप बनते बनते कभी वक्त लगता है, ब्रेकआउट जब मिलेगा तो वो एक कंफर्म हो जाएगा कि बॉटम आउट हो गया, और वो मिल जाएगा मैटर ऑफ टाइम, उसके बाद वो 3000 का जोन देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए। कितना वक्त लगेगा गावा सर, कितना, 3-6 महीने लग सकता है क्या? ज्यादा भी लग सकता है। ब्रेकआउट मिले तो आज भी मिल जाए, नहीं मिले तो 3 महीने और लगा सकता है। अनिल जी सुना आपने, 2 महीने और लगेगा ब्रेकआउट के लिए। थैंक यू सो मच गावा जी की सलाह, मैंने लिए, 1 साल होल्ड करूंगा जी। हां 2 महीना और लगेगा ब्रेकआउट के लिए मुझे लगता है, सेटअप के हिसाब से 1-2 महीना लगेगा, 1.5-2 महीना, उसके बाद मतलब फरवरी के बाद शायद ब्रेकआउट मिल जाएगा, उसके बाद एक अपमूव मिलेगा, वो 3000 तक ले जाएगा। तो अगर यहां से 2000 का 3000 देखते हैं 50% में क्या है, वैसे ही टाइम तो गुजर जाएगा, आप देते देते इलेक्शन देखेंगे, बजट भी देखेंगे, सब देखेंगे, वक्त तो गुजरने वाला है, आपको पेशेंस है कि नहीं वो देखना है। वक्त का जो स्वभाव है ना सर, वो गुजरने का ही, चलता रहता है, रुकता नहीं किसी के लिए। और अनिल जी सर्दी का मौसम है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जी सर है ना, यही सोच के लिया होगा आपने? यही सोच के लिया। अरे देखा ना कैसे सही सटीक अंदाजा है मेरा, तो वेट करिए और ब्रेकआउट मिलेगा तो 3000 तक जा सकता है वेंकीज। थैंक यू सो मच जी, सब कर दी जी सर, ध्यान रखिए अपना, बहुत सर्दी पड़ रही भाई। अगला सवाल है सुनील कुमार जी दिल्ली, इधर भी बहुत सर्दी पड़ रही। सुनील जी नमस्कार। क्या हाल है जी? बढ़िया, आप बताओ उधर ठंड सुना हमारे तो बढ़िया है। हाँ ठीक है, ठंड दिसंबर जनवरी में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी जी, ये 2 महीने की रहेगी ठंड, 1 महीने की रहेगी। यस, कैसे निपट रहे ठंड से? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आदत पड़ी है बचपन से। बताओ बचपन से आदत पड़ी, कोई चिंता नहीं। आप बताओ सवाल क्या आपका? हमने वेब सोलर एनर्जी ले रखा है 300 शेयर 113 रुपए में, और प्रीवियस स्पेशलिटी है 15 शेयर 1885 रुपए। एक मिनट, वेब सोल एनर्जी, गवा सर वेब सोल एनर्जी चार्ट देखिए, दूसरा कौन सा बताया आपने? प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल का शेयर, 15 शेयर ले रखे हैं 1885 रुपए में। ओके, वेब सोल का नहीं मिल रहा है। वेब सोल का मैं नंबर बताता हूँ सर आपको, 517 498। नंबर करेक्ट है, 24885 मिल गया। हाँ वही,
थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन बढ़िया स्टॉक है, बहुत दौड़ा है फ्रॉम 80 जोन टू 247, तो यहाँ पर तो रुकना चाहिए उसको, अब क्या उसका रुकने का, नहीं रुकेगा तो अनयूजुअल रहेगा, रुकता है कितना देर रुकना है ठीक है, लेकिन आपको अगर कॉस्ट किया है तो ये 185 का इनका प्रॉफिट भी अच्छा है, तो एक टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 200 के नीचे, अगर 200 तोड़ता है तो निकल जाइएगा, लेकिन स्टॉप लगाना है और कंटिन्यू होल्डिंग है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन मिलेगा इसमें वेब सॉल्वर में। और दूसरा है प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स, नंबर बताओ उसका, बताइए कौन सा बताया आपने, 530117 प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स। हाँ जी, हाँ पूछिए, बताइए अनुज, क्या सुनील जी क्या सवाल है? लॉन्ग टर्म के लिए है, मैंने 1885 रुपए में लिया है 1500, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एक्चुअल में, दो दो साल तीन तीन साल भी होल्ड कर लेता हूँ। 1885 में आपने लिया है? हाँ जी, 1170 चल रहा है नीचे, वो जब से केमिकल डाउन हुआ तब से नीचे आ गया वो। ओहो, ये बहुत अच्छा चला था, 2250 भी चला गया था, उसके बाद गिरावट आई है, अब जो सपोर्ट है 1000 के आसपास है और लगता है 1000 के ऊपर रुका रहेगा, यहां से आपको मिलेगा तो 1500 टू 1750 ये जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर रेसिस्टेंस है, मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए, वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन होल्ड करना चाहिए, साइडवेज जोन है फिर एक आपको मिलना चाहिए, लगता है 1000 होल्ड करेगा तो इट्स अ होल्ड। होल्ड के लिए स्पेशलिटी केमिकल, अभी केमिकल में नीचे से प्राइस वाइज सुधर रहे हैं और कह रहे हैं लोग कि अब केमिकल स्टॉक्स में बॉटम बन चुका है, तो होल्ड करिए इसको फिर आप थोड़ा। सुनील भाई अगला सवाल है राजेश कुमार बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सर, मेरा आईटीसी पे सवाल है और रेलटेल पे, सर 368 प्राइस पे 168 यूनिट है सर, और रेलटेल 117 पे 474 यूनिट है सर, मेरे 2.5 साल के व्यू है, 2 से 2.5 साल, इस पे थोड़ा राय चाहता हूँ जी। आपने आईटीसी और रेलटेल दो पूछे ना? हाँ सर। आईटीसी 168 पे लिया है आपने या 368? हाँ। पे आईटीसी 368 पे लिया हुआ है मैंने, एंड रेलटेल 400 पे? नहीं, रेलटेल मैंने 117 474 यूनिट है। अच्छा, 474 यूनिट 117। गावा सर बताइए, आईटीसी तो बाय मोड पर है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, इन्होंने अच्छे भाव में लिया है, इसको प्रोटेक्ट भी करना है, 450 का अपट्रेंड करा है, 464 450 का स्टॉप लगा, कंटिन्यू होल्डिंग इट 500 भी जा सकता है, लेकिन बाय मोड पर है आईटीसी, तो इट्स अ होल्ड स्टॉप। रही बात रेलटेल, वेल रेलटेल का स्टॉप भी बढ़िया है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है, इट्स ओके, 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जहां से एक ब्रेकआउट मिला है, पेस बना हुआ है, उसके नीचे स्टॉप लगा चलिए और कंटिन्यू होल्डिंग इट, अपू कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, साइडवेज थोड़ा मूव मिलेगा, पॉसिबिलिटी है वहां पर, फिर एक अपू रिज्यूम होगा। रेलटेल गाव सर, रेलटेल ऑलमोस्ट 3x है इनका जी, बेटर नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा 300 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए। ओके, या तो हाफ निकाल दीजिए, बाकी पर हाफ पर होल्ड कीजिए, फिर डबल हो जाए, फिर हाफ कीजिए। राजेश जी अगर इसको होल्ड करना है तो आपको 300 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके सर, और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आधा बुक कर लीजिए आप, क्योंकि आपका 3x ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक। हाँ सर, है ना, तो ये स्ट्रेटजी रखिएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर हो जाएगा, प्रॉफिट घर पे आ जाएगा। ठीक, ओके सर। अच्छा, इस बीच गावा सर थोड़ी गिरावट और बढ़ गई है, अब मिड कैप 500 पॉइंट गिर गया है। यस, और निफ्टी 160 पॉइंट, तो कमजोरी थोड़ी सी बढ़ गई है, गिरने बढ़ने वालों की संख्या एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, एक के सामने दो से ज़्यादा शेयर्स गिर रहे हैं, यानी दो बढ़ने वालों के सामने पांच गिरने वाले शेयर, ये लाइन देखो हरी लाल आपस में क्रॉस कर गई हैं एक दूसरे को। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सुरेश कुमार गोयल सिलीगुड़ी से हमारे साथ हैं, नमस्कार सुरेश जी बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। गावा जी की सलाह से हमने बहुत कमाई की है। अरे वाह, गावा जी रॉक स्टार है, गावा जी आपके चक्कर में कैसा पैसा बना रहे हैं लोग सिलीगुड़ी तक में। अच्छा है, हम हैं ही उनके लिए, हम आपकी सेवा के लिए, अब तो हमारा चैनल अच्छा है इसलिए तो नंबर वन है, ऐसे थोड़ी हो गया, हम सभी पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं और दिल से काम करते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि आप पैसा बनाओ। बताइए सुरेश जी, पैसा बनाइए। नीरज जी, यस बैंक लिया हुआ है, 1000 शेयर है,
19.50 का, ये दिसंबर फर्स्ट वीक का लिया हुआ है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? यार आइडिया बड़ा सही आपका जमता, देखो ये भी 23 रुपए हो गया गवा सर, यस बैंक बहुत सारे निवेशकों का सवाल है, समझ लीजिए आप ये देखिए इट्स अ लीप ऑफ फेथ, यस बैंक आपको होल्ड करना चाहिए 4-5 साल के लिए, मेरे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर और वर्स्ट इज गेटिंग ओवर, 30 रुपए का एक लेवल है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है और वहीं पर ब्रेकआउट है और वो भी मिल जाएगा मैटर ऑफ टाइम, तो मेरे ख्याल से यह होल्ड करना चाहिए, वो जब होल्ड करी देखिए जो पैटर्न बन रहा है एक ऐसा पैटर्न बन रहा है वो ले जा सकता है 150 जोन तक, उसके पहले 100 है रेसिस्टेंस फिर 150 है, लेकिन लेना चाहिए आपको और रोज देखना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मैं होता तो रोज नहीं देखता, हर महीने में एक बार देखता, करता कुछ नहीं ये सिर्फ देखता और होल्ड करता, 5 साल का एक नजरिया होना चाहिए बस यस बैंक के लिए, मुझे फंडामेंटल कुछ पता नहीं लेकिन टेक्निकली लगता है बस यही जगह है ऊपर जाने के लिए, लीप ऑफ फेथ, भरोसा बनाए रखिए यस बैंक में, 30 तक जाएगा ये, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको बना के रखिएगा और जब 30 हो जाएगा एक बार फिर से राय लीजिएगा, जैसे ये वो स्टॉक है जैसे मैंने दिवाली पर पिक दिया था HDFC बैंक, यहाँ पर 14 सिटी जो लो था बहुत ही फैंटास्टिक लो था, ओके तो मैंने कहा था दिवाली टू दिवाली पे HDFC बैंक है और उससे पहले चल गया, दिवाली से पहले HDFC बैंक ने कमाल दिखा दिया। अच्छा गवा सर इस बीच मुझे दो स्टॉक पे आपकी राय चाहिए, एक तो गेल पे 4.5% आज नीचे, पिछले कुछ दिनों से खूब चल रहा था, और ल्यूपिन ये भी 4% ऊपर है, एक 4% नीचे एक 4% ऊपर, दोनों में राय चाहिए सर। देखिए गेल थोड़ा ज्यादा दौड़ गया इसलिए रेस्ट कर रहा है, जब दौड़ेंगे तो रेस्ट भी तो करेगा, इसलिए थोड़ा नीचे आता तो घबराने की बात नहीं है, 159 पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 150 आए लेकिन फिर एक अप मूव मिलेगा यहाँ पर, तो इसलिए उसको थोड़ा आराम करना चाहिए गेल को। और दूसरा कौन सा बताया आपने, लुपिन, लुपिन का चार्ट बढ़िया लगता है मुझे, मुझे जो लुपिन का जो लेवल है हायर टाइम फ्रेम में देखो तो 1200 लेवल में जो ब्रेकआउट मिला है वो ले जाएगा करीब 1600, अब ट्रेड कर रहा है 1370, मतलब 1370 टू 1600 का ये जोन है, लेकिन उसको एक दो महीने में नहीं होगा, दो तीन क्वार्टर लगेंगे उसके लिए, तो लुपिन तो बाय एंड होल्ड है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे ऑन द वे, वो घबराना मत, लेकिन 1600 मुझे नजर आता है लुपिन में, लेकिन उसे वक्त दीजिएगा, पेशेंस की जरूरत है लुपिन, पेशेंस की जरूरत है ल्यूपिन में, बने रहिए इसमें। अच्छा गावा सर एक सवाल लेते हैं रणजीत यादव का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणजीत जी नमस्कार पूछिए सर। नमस्ते सर एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा जो सवाल है दो स्टॉक्स पे है, पहला VIP इंडस्ट्रीज है जो मैंने 310 शेयर्स लिए हैं 605.25 पैसे पे, और दूसरा मेरे पास PCBL है जो 660 शेयर्स लिए मैंने 255.50 पैसे पे, मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपकी सलाह चाहिए थी। ओके एक एक करके लेते हैं गावा सर, VIP इंडस्ट्रीज 605.25 पर अभी हाल फिलहाल में लिया क्या रणजीत जी आपने? हाँ सर एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही लिया था, वो स्टेक सेल का कुछ न्यूज था तो मुझे लगा शायद वहाँ पे ये रन अप दिखाएगा बट वो फेल हो गया, बट जो मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। ओके लॉन्ग टर्म का नजरिया है, आजकल लोग घूमने फिरने बहुत जा रहे हैं, अटैचियां बिक रही बहुत। गावा सर VIP इंडस्ट्रीज कैसा लगता है आपको, 605 पे खरीदा है? बेसिकली VIP का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब कंसोलिडेशन जोन पर है और कंसोलिडेशन है करीब 525 और 675 के बीच में, तो इस जोन में आपने लिया है, इस जोन से बाहर निकलना जरूरी है फॉर अ नेक्स्ट ट्रेंड टू रिज्यूम, और वो भी मिलेगा लेकिन कब मिलेगा कहना मुश्किल है, जब वो 675 के ऊपर चला जाएगा और मंथली बेसिस पर उसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो फिर एक नया ट्रेंड मिलेगा, वो करीब हायर जोन देखेंगे, वो करीब फिर हायर जोन देखेंगे, न्यू हाई पर चले जाएंगे, जो रिसेंट हाई है 750 का वो भी पार कर लेगा, तो आपको इसमें इंतजार की जरूरत है, आपको लगता है कि लेने के बाद नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने एक साइडवेज जोन पर लिया, जब ट्रेंडिंग मूव था तब नहीं लिया, नॉर्मली लोग ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, एनीवे आपने लिया तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, 525 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्ड। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? फिलिप्स कार्बन ब्लैक, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, PCBL नाम हो गया उसका, PCBL, 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 PC, PCB, हाँ मिल गया मुझे, इसका स्टार्ट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, 254 पे ट्रेड करा है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है इसलिए थोड़ा साइडवेज मूव मिला है, और साइडवेज मूव थोड़ा एक डेढ़ महीना और भी चल सकता है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है स्टॉक, 200 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नीचे ऊपर होता रहेगा फिर एक नेक्स्ट अप मूव शुरू होगा, अच्छा मुनाफा देगा, ये आपको होल्ड करना चाहिए PCBL
फिलिप्स कार्बन ब्लैक। अच्छा ये रणजीत दोनों स्टॉक ना बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड वाले हैं पीस। अब ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो बनाते हैं वो टायर में यूज़ होता है और ऑटो के आप देख रहे हैं क्या ग्रोथ है, और प्लस आपका जो वीआईपी वाला वो टूरिज्म की थ्योरी से बहुत मैच करता है, तो दोनों आप होल्ड करके रखिए, गावासी की भी सलाह है, अच्छी स्टॉक्स हैं ये। अगला सवाल सर बिलाल खान का बरेली से। बिलाल भाई क्या सवाल है? बिलाल खान जी का फ़ोन कट गया। अगला सवाल ले लूँ क्या? अच्छा अभी लगाइए, फिर आप लगाइए, तब तक मैं इधर सोशल मीडिया से देखता हूँ बहुत सारे लोग उधर भी, हालांकि सोशल मीडिया के दिन हमने चुन रखे हैं उसी से हम लेते हैं, लेकिन फिर भी एक आध सवाल इधर से ले सकते हैं। गावा जी आयशर मोटर्स 3.5% नीचे, क्या करें? आयशर मोटर्स 3% जाने दी कि और नीचे आएगा, पॉसिबल है कि 3700 3750 आ सकता है, वहां पर सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे आएगा, इट्स ओके। ऊपर गया है तो नीचे आना भी चाहिए थोड़ा, फिर एक अपू मिलेगा। आयशर मोटर का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो गया, अब कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा। ये मार्केट डांस करता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन के बीच में, अब थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन में फिर एक एक्सपेंशन मिलेगा, इट्स अ होल्ड आयशर मोटर्स। लेमन ट्री और ऊपर जाएगा सर, आज तो बहुत भागा हुआ है, नीचे आ गया थोड़ा आयशर मोटर्स। नहीं लेमन ट्री, लेमन ट्री आज लेमन ट्री की बात कर रहे थे हाँ, अभी पहले आयशर थी, अभी लेमन ट्री बहुत भागा हुआ है। लेमन ट्री बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक बढ़िया है, 129 पे होल्ड कर रहा है, न्यू हाई पर चल रहा है, मेरे ख्याल से 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसका तो लगता है गेम शुरू हुआ है, इसका टाइम आ गया, अपमूव चलना चाहिए, 150 एक नियर टर्म टारगेट होगा, लेकिन जब भी इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन आए या कोई टिप्स मिलते हैं वो खरीदने का मौका रहेगा लेमन ट्री, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय डिप्स लेमन ट्री एंड होल्ड। डिप्स पे इसको बाय करिए और मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। गावा सर एक स्टॉक है सुवेन फार्मा, 723.85 रुपये पे चल रहा है, और इस स्टॉक में लगातार तेजी है, पिछले 3-4 महीने का चार्ट दिखाइए इसका, सुवेन फार्मा का। कौन सा फार्मा? सुवेन, SUVEN, सुवेन 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 लाइफ साइंस, नहीं सुवेन फार्मा सर। व्हाट अ मूव फ्रॉम 500 टू 723, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा स्ट्रेच है बट लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, थोड़ा डिप मिल सकता है, 650 680 टू 700 जोन से वहां पर सपोर्ट है, फिर वहां से एक अपमूव रिज्यूम होगा, ये बाय होल्ड है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सुवेन सुवेन फार्मा। 3 महीने में 26% की रैली सुवेन फार्मा में है, कुछ स्टॉक ना चुपके चुपके चलता रहता, पता नहीं चल पाता इसमें, ऐसे ही कभी कभी रडार पे आते हैं। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।